हेलो गाइस, मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर। फिलहाल तो अभी हम ये प्याज काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं बोले से? आज हम लोग ये घर में थोड़ा सा कुछ प्लानिंग बनाया है मटन बिरयानी बनाने के लिए। कभी तो बना के देखा नहीं है, कभी बनाया नहीं है घर पे। बाहर में तो बहुत खाया है, घर में अपना कुछ बना के खाया नहीं है, तो आज बना के खा के देखते हैं। अभी फिलहाल तो अभी ये उसको मैरिनेट करने के लिए उसका तैयारी चल रहा है। आप लोग देखते रहिए। तो ये पूरा ओनियन कट के हो चुका है, अभी इसको फ्राई करेगा। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई मार लेगा, हल्का सा फ्राई मार लेगा, इसका थोड़ा सा ब्राउन होने देगा, लाल होने देगा, उसके बाद में निकाल लेगा। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बन रहा है मेरे जेट में डालने के लिए। ऑलमोस्ट अभी ये फ्राई हो चुका है, और थोड़ा सा जल लें और एक दो मिनट इसको थोड़ा सा पका लेंगे, भून लेंगे। तो ये हम लोग ये मटन ज़रा नहीं, 1 किलो लिया है। अभी इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला पूरा मिला देंगे। और ये है अभी जो आगे हम जो प्याज जो फ्राई किया था, फ्राई करके हो गया, तंदा भी हो गया। अगर मटन बिरयानी बनाना है तो आगे प्याज फ्राई तो ये ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो बिरयानी नहीं बनेगा। और ये प्याज थोड़ा डाल लेते हैं, उसके बाद में ये हरी मिर्च कटा वाला, उसके बाद में है ये धनिया पाउडर हो जाएगा, और उसके बाद में ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जल तो हम ज़रा नहीं खाते, कमती डालेगा, लेकिन भाई बहन लोग ज़रा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देगा उन लोग के लिए। बाद में हम सकेगा कि नहीं सकेगा पता नहीं है। उसके बाद में ये है हल्दी थोड़ा कलर के रंग के लिए, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच, उसके बाद में ये है थोड़ा दही, इसको भी डाल देंगे। तो ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच डाल देगा। और ये थोड़ा सा तेल जो बच गया था आगे फ्राई करते समय, उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी ये सब मसाला वसाला थोड़ा डाल दिया, अभी इसको अभी मिक्स कर लेंगे अच्छा से। रंग तो बहुत ही सुंदर आ रहा है, कलर तो बहुत ही बढ़िया है, खाने में भी इतना स्वाद होगा, होना चाहिए।
और थोड़ा सा एक मसाला ऐड कर देंगे, ये है बिरयानी मसाला, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। तो अभी ये पूरा मिक्स हो गया है, अभी इसको हम लोग ये फ्रिज में डाल लेंगे ये 3-4 घंटे के लिए। एक्चुअली हम लोग ये लंच के लिए नहीं है, डिनर के लिए बनाए हैं, तो आज रात बनाएंगे इसको। तो यहाँ में रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए, रख देंगे इसको अच्छे से। गाइस फिलहाल अभी ये मैरिनेट होके हो चुका है, इसको अभी हम लोग पकाएंगे आगे। कुकर भी लग चुका है गैस पे, ये तेल भी डाल चुका है, इसको थोड़ा सा तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे, उसके बाद में ये मीट को मटन को पकाना चालू करेंगे। तो गाइस अभी तेल भी ये गर्म हो चुका है, चलिए अभी हम लोग बनाने जा ही रहा था कि लाइट भी चला गया, थोड़ा तो अंधेरा अंधेरा सा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम ये मटन को डालने जाएंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड कर लेगा ताकि मसाला चिपके ना। ये मटन डाल चुके हैं, थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। तो ये जब तक मटन पक रहे तब तक के लिए हम लोग ये चावल को पानी गर्म कर लेंगे, चावल बिताने के लिए। ये थोड़ा सा मसाला लिया गर्म मसाला, इसको अभी थोड़ा पानी में थोड़ा बॉईल कर लेंगे जब तक ये मीट पक रहा है। अभी इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये गरम मसाला डाल दिया, तो यहाँ में एक चम्मच नमक डाल लेंगे, उसके बाद में थोड़ा हल्का सा ऑयल तेल डाल लेंगे। इसको अभी अच्छा से गर्म होने देंगे, उसके बाद चावल डालना। तो ये अभी पानी भी उबल चुका है, अभी इसको यहाँ पे चावल डालेंगे। अभी इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, देख लेंगे मटन पका है कि नहीं पका है। बहुत अच्छे तरीके से पूरा तेल भी ऊपर आ गया, ग्रेवी तो अच्छा बना है। अभी मीट को चेक कर लें पका है कि नहीं पका है। पक चुका है, ऑलमोस्ट पक ही चुका है। इसको थोड़ा सा और गैस में पका लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे अभी इसको। अभी फिर थोड़ा सा 5-6 मिनट पकने देंगे अच्छा से। ओके अभी यहाँ पे चावल ऐड कर लेंगे। तो
चावल भी डल चुका है, अभी इसको पहला देंगे। पहलाने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा मटन के साथ में काटेगा। जो आज हम जो ये प्याज फ्राई किया था उसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा धनिया, जो हम तो ये थोड़ा सा ग्रेवी निकल के बचा के रखा हुआ था उसको भी थोड़ा सा लगा देंगे। अभी देखने के लिए तो अच्छा ही लग रहा है, ये अभी कैसा होगा पता नहीं, ये अपना पहला बार है तो टेस्ट जो भी हो जैसे भी बने हो, लेकिन खाना तो है ही है, लेकिन देखते हैं बाद में निकल के। अभी तो ऑलमोस्ट तो पक ही गया, हो ही गया ऑलमोस्ट, तो अभी थोड़ा सा हल्का सा इसको दम कर लेंगे। ये बन के हो चुका है, अभी टेस्ट करेगा कैसा है बोल के, टेस्ट करके देखता हूँ। ये है मेरा मटन बिरयानी, पहली बार है कोई बात नहीं, जैसे भी हो खा लेंगे। नानी कुंजा कैसे खाने में, मजा नहीं है कोई बात नहीं, बनाओ ठीक है, नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। ओके तो इसे अभी इंजॉय करते हैं हम सभी लोग, आप लोग बैठते रहिए। बिरयानी तो सेल हो गया पूरा खत्म, थोड़ा सा जल गया लेकिन टेस्ट तो था ना पहली बार में, तो ना पहली बार में तो इतना ही तो बनेगा ना, कैसा था तो मज़ा था ना। मैं मुंजू ठीक है, कितना बन